नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। करीब 9 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रही इजराइल हमास की जंग के बीच अचानक से एक नई जंग की आशंका बहुत तेजी से बढ़ गई। इजराइल और उसके उत्तरी सीमा के पड़ोसी मुल्क यानी लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला के बीच अब बड़ी जंग की आशंका के बादल मंडरा रहे। दरअसल हुआ ये कि इजराइल के कब्जे वाली गुहान पहाड़ियों पर एक जोरदार हमला हुआ। ये हमला फुटबॉल के मैदान पर हुआ जिसमें कम से कम 12 बच्चे और किशोरों की मौत हो गई। इसराइल ने इस हमले का आरोप हिजबुल्ला पर लगाया जबकि हिजबुल्ला ने इस हमले से इनकार किया। इस हमले ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी एक्शन मोड में ला दिया है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने अमेरिका दौरे को अधूरा छोड़कर लौट आए हैं और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि फुटबॉल ग्राउंड पर हुए अटैक के बाद ऑल आउट जंग की सूरत क्यों बन गई है, गोलन हाइट्स को लेकर मचे बवाल का बैकग्राउंड क्या है, दुनिया भर के नेताओं की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं, हिजबुल्ला के लिए कयामत की रात। आज की रात हिजबुल्ला के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। इसराइल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ उसमें उन बच्चों की मौत हुई जिनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया। इसराइल लौटते ही नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। नेतन्याहू ने मजअद शम्स के बदले का आदेश दिया। अब लेबनान पर बड़ा हमला करने की तैयारी इसराइली डिफेंस फोर्स कर रही है। IDF ने अपने 6 एयरबेस को हमले के लिए एक्टिव भी कर दिया। इसराइल के 36 लड़ाकू विमान हमले के लिए इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आयरन डोम से लॉन्च हुई मिसाइल ने किया अटैक। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि यह हमला हिजबुल्ला ने नहीं इसराइल के ही एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की एक नाकाम मिसाइल ने अपने ही फुटबॉल ग्राउंड पर अटैक कर दिया। इसराइल के पास इस वक्त आयरन डोम की 10 बैटरीज हैं। हर बैटरीज में 4 लॉन्चर हैं और जो रडार से जुड़े होते हैं। यह रडार आने वाली हमलावर मिसाइल को डिटेक्ट करता है। लॉन्चर से उस मिसाइल को ऑटोमेटिकली इंगेज किया जाता है और हवा में मार गिराने के लिए एक मिसाइल लॉन्च हो जाती है। दावा किया गया कि ऐसे ही एक मिसाइल गलती से टारगेट पर न जाकर फुटबॉल के मैदान पर हमला कर बैठी। अब इसराइल इसका ठीकरा हिजबुल्ला के सिर पर फोड़ रहा है। अल अरबी चैनल जो हमेशा इसराइल के विरोध की बात कहता है उसके एक पत्रकार ने दावा किया कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने किसी अन्य शख्स से सुना है कि गिरने वाली मिसाइल आयरन डोम की थी। गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है जो राजधानी दमिश्क से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। पानी से समुद्र गोलन हाइट्स उत्तरी इसराइल के गैलिन क्षेत्र और गैलिन सागर पर नजर रखती है और सीरिया निर्वाचित हिस्से पर दमिश्क के मार्ग पर हकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्डन हाइट्स जॉर्डन और लेबनान के साथ सीमा साझा करती है। अरबी में जोलैन के रूप में भी जाना जाता है इसे। 1981 में इसराइल के पास है गोल्डन हाइट्स का इलाका। इसराइल के 1967 के मिडिल ईस्ट युद्ध में सीरिया छीन लिया था। उसने अपनी पहली बस्ती वेस्ट बैंक में नहीं बल्कि गोल्डन हाइट्स में ही बनाई थी और 1981 में इस पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे मान्यता नहीं दी है। 2019 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इजरायली क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। यहाँ कुछ डूज लोगों के पास इजरायली नागरिकता है। कई लोगों के मन में अभी भी सीरिया के प्रति सहानुभूति है। इसराइल के कब्जे को खारिज कर दिया गया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इजरायली समाज के साथ संबंध बढ़े हैं। हालांकि 2019 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन गोलन हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता देगा, एक ऐसा कदम जिसने वर्षों की नीति को पलट दिया और सीरिया के साथ तनाव बिगड़ गया। गोल्डन हाइट्स में कौन रहते हैं? आज की तारीख में गोल्डन हाइट्स में लगभग 40,000 लोग रहते हैं जिनमें से आधे से अधिक ड्रूज अरब हैं। लेकिन वास्तव में ड्रूज कौन है? ड्रूज अरब एक अद्वितीय धार्मिक और जातीय समूह है। इनकी परंपरा 11वीं शताब्दी से चली आ रही है। इसमें इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और यहाँ तक कि शास्त्रीय यूनानी दर्शन के तत्व भी शामिल है। वे न तो धर्म में परिवर्तन की अनुमति देते हैं ना ही अंतर्विवाह की। ड्रूज दर्शकों से बशर अल असद और उनके पिता हाफिज अल असद के शासन के प्रति वफादार रहे। जब इसराइल ने गोलान पर कब्जा कर दिया तो ड्रूज को नागरिकता का विकल्प दिया गया लेकिन अधिकांश ने इसे अस्वीकार कर दिया और अभी भी खुद को सीरिया के रूप में पहचानते हैं। वर्तमान में 20,000 से अधिक ड्रूज गोलन हाइट्स में रहते हैं और 30 से अधिक बस्तियों में फैले लगभग 25,000 यहूदी इसराइलियों के साथ भूमि साझा करते हैं। 2023 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2027 तक वहां अपनी आबादी को दोगुना करने के इसराइल की योजना पर चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि जब क्षेत्र में भूमि और पानी की बात आती है तो गोलन में ड्रूज को इसराइलियों द्वारा भेदभावपूर्ण नीतियों का सामना करना पड़ता है। ड्रूज नेताओं ने यह भी बताया कि क्षेत्र में उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाता है। शायद यही वजह है कि इसराइली मीडिया इसराइल में नागरिकता चाहने वाले ड्रूज की संख्या में वृद्धि दिखाता है। इसराइल के लिए गोलान क्यों महत्वपूर्ण? इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा। गोलन हाइट्स की ऊंचाई इसराइल को सीरिया में गहराई तक अवलोकन बिंदु प्रदान करती है। एक ऐसा देश जिसके साथ इसराइल के तनावपूर्ण संबंध है। इसराइल का यह भी कहना है कि गोलान को बनाए रखने से इसराइली कस्बों और दमिश्क के बीच एक बफर जोन बनाने में मदद मिलती है।
तेल अवीव ने यह भी कहा कि उन्हें डर है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का सहयोगी ईरान इसराइल पर हमले शुरू करने के लिए सीरियाई सीमा पर स्थायी रूप से खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 1974 के युद्ध विराम समझौते के बाद 400 वर्ग किलोमीटर का एक असंवीकृत बफर जोन भी है जिसमें कोई भी पक्ष प्रवेश नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स और संयुक्त राष्ट्र ड्रूज पर्यवेक्षण संगठन के पास क्षेत्र में शिविर और चौकियां हैं। गोलान हाइट्स जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों का भी घर है जो जॉर्डन नदी को पानी देते हैं। क्षेत्र में पानी एक प्रमुख संसाधन है। इसके अलावा गोलान इसराइल का एकमात्र स्की रिसोर्ट भी है। 27 जुलाई को क्या हुआ? इसराइल के नियंत्रण वाले गोलान हाइट्स के मजदल शम्स के ड्रूज शहर में एक फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले में 12 बच्चे और किशोरों की मौत हो गई। हमले के वक्त बच्चे मैदान में खेल रहे थे। हमले से पहले सायरन तो बजा लेकिन भागने का वक्त ही नहीं मिला। हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसराइल ने इस हमले के लिए हिजबुल्ला को दोषी ठहराया लेकिन हिजबुल्ला ने इसमें किसी भी भूमिका से इनकार किया। नेतन्याहू ने दी चेतावनी। अमेरिका की यात्रा पर गए नेतन्याहू पहले ही देश लौट आए और आते ही सुरक्षा कैबिनेट की बैठक ली कि नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि हिजबुल्ला को इस हमले के लिए भारी कीमत चुकानी होगी जो उसने अब तक नहीं चुकाई है। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने इसे 7 अक्टूबर के हमास वाले हमले के बाद के सबसे घातक हमला बताया। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। विदेश मंत्री इजरायल कार्ट्स ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्ला ने सभी सीमाओं को पार किया है। हमारा जवाब इसे दिखाएगा। हम उस पल के करीब हैं जब हम एक पूर्ण युद्ध का सामना करेंगे। सरकार के धुर दक्षिणपंथी सदस्यों ने हिजबुल्ला के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इमरजेंसी सर्विस के एक डॉक्टर ने कहा कि हम मैदान पर पहुंचे और जलती हुई चीजें देखी। हताहत लोग जमीन पर पड़े हुए थे। तो आज हमने आपको इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ने वाले जंग की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभासा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।